किसी ने सवाल किया, टीवी और वेब मूवीज से ज्यादा आजकल वेब सीरीज का ट्रेंड चल रहा है और इसकी सेंसरशिप भी नहीं होती है, तो लोगों को इस फितने से बचने के लिए आप स्पेशली इस वेब सीरीज के नुकसान बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज जो किसी ने सवाल किया और बहुत अच्छा सवाल किया, वेब सीरीज के ताल्लुक से मैंने हाल में एक आर्टिकल पढ़ा था, बट टेक्निकल कुछ वर्ड्स मैं शायद भूल जाऊं बीच बीच में, क्योंकि वो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं। बहरहाल, लेकिन वेब सीरीज के ताल्लुक से मैंने जो एक पढ़ा था आर्टिकल, उस आर्टिकल में ये बताया गया था, जो कि एक साइंटिफिक जर्नल का था, उसमें ये बताया गया था कि वेब सीरीज ने जो नुकसान किया, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये था कि वीडियो एडिक्शन की तरह वेब सीरीज ले जाती है, क्योंकि एक सीरीज को ऐसे टाइम पर वो खत्म करते हैं। मतलब देखिए, पहले एक फिल्म होती थी, फिल्म समझ लीजिए, अगर बॉलीवुड को ले ले एग्जाम्पल के लिए, तो फिल्मों का साइज होता 2 घंटे से लेकर 3 घंटे, और हॉलीवुड ले ले तो उसके फिल्मों का साइज 1 घंटा 10 मिनट से लेकर तकरीबन 1.5-2 घंटे होता था। लेकिन वो 2 घंटे के अंदर जो मेंटल कैफियत होती थी और जो बॉडी जो जिसको कहेंगे केमिकल्स को रिलीज करती थी जो एक्साइटमेंट की वजह से, वो बस हीरो आते जो शुरू करा बमबारी पहले, मतलब अगर बॉलीवुड होता तो आखिरी मारता हो, हॉलीवुड में तो बस पहले सीन से चालू हो जाता, बस मारते ही रहता, मतलब उसको तो बस इंसानियत को मारना हलाल ही रहता, यहाँ से इसको मार उसको मार उसको मार, तो जो कैफियत होती जिस जो एक्साइटमेंट में जाता तो 2 घंटे में लेकिन खत्म, उसके बाद कुछ नहीं था। लेकिन वेब सीरीज का हाल ये हो गया, वो हर सीरीज का एक पार्ट एक फिल्म जैसी अहमियत रखता, फिर नेक्स्ट पार्ट मौजूद है, और एक एक दो दो नहीं, 60, 70, 75, 100, 150 के वेब सीरीज के ड्रामे आ चुके, और ये सीजन 1 है खाली, फिर सीजन 2, फिर सीजन 3, फिर सीजन 4, जिससे एक एक किस्म के लोगों को वीडियोस की लत लग जा रही है, लत लग जा रही है। जिसका मैं एकदम बेस्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लॉकडाउन लगा, मुसलमानों ने टोपी पहनकर और दुपट्टा डालकर अर्तुगरुल गाजी देखा। पहले तो मुझे वो नाम ही समझ में नहीं आ रहा था, ERTRUGH, अर्थरुल अर्थगुरुल कुछ, मैं जब मुझे पहली बार किसी ने बोला, बोला नाम ही समझ में नहीं आ रहा क्या है, पता चला वो लिखने का कुछ रहता है और पढ़ने का कुछ रहता है, अर्थरुल बोले उसका माना है, लेकिन लिखते उसको अर्थगुरुल, ठीक है जो भी, तो अर्थरुल गाजी देखे, तो लोगों ने टोपी पहन ली, औरतों ने दुपट्टे डाल ली, भाई दीनी है ना, दीनी हीरो है अपना, दीनी, जैसा कि हातिमताई आता तो याद है ना, उसे वजू करके लोग हातिमताई देखते थे, हातिमताई आ रहा ना, बिस्मिल्लाह की बरकत, याद है ना फिल्म में आपको, बहर यार तो हातिमताई आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, तो बस वजू वजू करके एकदम मुसलमान देखे। फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद लग गए रमजान, रमजान में तो हाँ उनको लगा ये तो हलाल ही, पड़े दिन रात टीवी के सामने क्या चल रहा, बस रोजा रखो और अर्तुल देखो, घर में रहो और खाओ पियो, जिसका नतीजा भी देख रहे हम, फैट लेवल कितना बढ़ गया और क्या क्या हालत हो गए लोगों के, बहर यार तो देखा। तो ये सीरीज का प्रॉब्लम क्या होता है मालूम आपको, ये सीरीज आपको एडिक्शन की तरफ ले जाती है, क्योंकि जो मेंटल कैफियत, जो हार्मोन्स और जो केमिकल्स रिलीज होते हैं एक्साइटमेंट की वजह से, वो इतने ज्यादा हो जाते हैं, और उसके बाद सीरीज क्या, दूसरी सीरीज फिर मौजूद है, दूसरी के बाद तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड, एपिसोड खत्म, सीजन क्या, दूसरा सीजन, तीसरा सीजन, मुझे बताया गया अर्तुल गाजी के तो 4 सीजन थे उस अकेले के थे, फिर दिरलिश अर्तुल, फिर कोरोलुस उस्मान, और फिर मैं आगे के नाम नहीं लेता, लोग देखना शुरू कर देंगे फिर, ठीक है, और कई सीरीज उसके बाद उन्होंने लाते रहे, यहाँ तक के अब्दुल हमीद तक लेकर आ गए उन्होंने पूरी सीरीज को, ठीक है। तो बहरहाल आप हालत देखिए, तो उससे लोग एडिक्ट हो गए। अब ये सीरीज का एक प्रॉब्लम एडिक्शन है, दूसरा प्रॉब्लम इसकी सेंसरशिप नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म्स बना ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, ये वीडियो प्लेटफॉर्म, ये खुद वीडियो बनाता है, अमेजोन की खुद की ओरिजिनल सीरीज होती है, नेटफ्लिक्स आ गया है जो कि बहुत बड़ा समझ लीजिए, जिसको कहेंगे 60-70% के शेयर उसके हैं खाली नेटफ्लिक्स के, तो ये खुद इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन हाउस के बगैर प्रोडक्शन शुरू कर दिया। प्रोडक्शन हाउस के अंदर होता है कि फिल्म बनाओ, फिल्म जाती है सेंसरशिप बोर्ड के पास, सेंसरशिप बोर्ड उसको हाँ ना ग्रेडिंग ए, ये पैरेंटल गाइडेंस फला 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 यू सी ग्रेडिंग्स होती है, हाँ सारी चीजें करता था, 16 ईयर्स, 13 ईयर्स, 13 प्लस सब करता था, उसके बाद वो फिल्म रिलीज होती थी। अब तो इंटरनेट पे बन रही, दुनिया के किसी कोने में बन रही, कोई सेंसरशिप नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है कोई लॉ जनरली उसको एप्लीकेबल नहीं होते, और फिर धड़ल्ले से क्या हो गया, वेब सीरीज विदाउट सेंसरशिप शुरू हो गई, जिसके नतीजे में बहुत ही अश्लील, गंदी, जिसको बोलेंगे फहाशी भरी वेब सीरीज चालू हो गई है, समझ रहे, इसलिए कि न्यूडिटी इतनी आम हो चुकी है इंटरनेट पर कि कभी कभार न्यूडिटी देख देख के लोग बोर हो गए, तो उनको अब ये न्यूडिटी पसंद आती है, अश्लीलता जो कपड़ों के अंदर है कि पूरी गंदगी आने की, लेकिन वही सब सब गंदगी, समझ रहे। तो लिहाजा वेब सीरीज ने जो बिड़ा गर्क किया, याद रखिए, और खास तौर से उम्मत मुस्लिमा को, तो आप ये मेरा एनालिसिस ये बिल्कुल आप देखेंगे 90% सही है, ये लॉकडाउन में और अर्तुल गाजी की वजह से बना था। मैं वो देखना हलाल हराम है वो मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ जो आदत लगी, जो लत लगी, वो कहाँ से लगी, मुसलमान बकसरत देखना शुरू किया, सीरीज पे सीरीज देखती, उर्दू खत्म होगी तो इंग्लिश सब टाइटल शुरू कर दिए, पता नहीं लोगों ने ये तक नियतें कर ली कि अब मैं इसको तुर्की सीख के करता हूँ तर्जुमा इसका, हाँ इतने जोश में आ गए। तो ये विदाउट सेंसरशिप जा रही है, और जो खतलो गारत गिरी, खून का मिजाज जो बताया जा रहा है, चाहे वो अर्तुल गाजी हो या इसके बाद इसराइल का बना हुआ फौदा हो
या उसके कई बने ऐसे सीरीज, सिर्फ ये अब्दुल गाजी एक नहीं, हर कोई बना रहा है खून खराबी, बस मारो लोगों को। मैं समझता हूँ एक एपिसोड या सीरीज का एक एक जो उसका जो भी एपिसोड का टाइम होता है, मैं समझता हूँ कम से कम 100 से 200 लोग मरते बताते उसके अंदर, छिप 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 चार मार दिए, फिर छिप छिप पांच मार दिए, बस ऐसा मार, इंसानी जान का कुछ है, बस मारते चले मारते चले। भाई हीरो है या इंसानियत तो खत्म करने हैं कि लोगों को कत्ल करके दुनिया, मतलब बस सिर्फ मार, क्या इससे एहसास बच्चों के होंगे याद रखते। लेकिन ये जो है उस टाइप का मिजाज नहीं, मतलब मार के उनके लाशों पे खड़े हैं, मरते ही इधर लाशें पड़ी इधर हाथ मिला के खुशी मनाई जा रही है कि अपन जीत गए, ऐसा कभी नहीं होता याद रखिए। रियल जिंदगियों में लोग लाशों को उठाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, अगर दोनों फरीब मुसलमान थे दोनों के लिए पड़ी जाती है, तीन का इंतजाम होता है, लोग गमजदा होते हैं कि जीत मिली, लेकिन कितनी भारी मतलब उसका इंसानियत को उठाना पड़ा खमियाजा, ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल फिर वो चला, और इससे पहले भी मैं समझता हूँ दुनिया में ये चीज़ आम हो चुकी थी, बहुत सारे सीरीज वेब सीरीज चल रहे थे जो कि काफ़ी पॉपुलर थे, तो सामने बात आती थी कि ये सीरीज चल रही, बट ये मुसलमानों में तो इसने किया। वेब सीरीज वाकई में अनसेंसर्ड होती है, बहुत इसके जरिए बुराई फैल रही, तो मैं कहूँगा इन वेब सीरीज को देखना बिल्कुल बंद कीजिए। वैसे कोई भी सीरीज मत देखिए, अच्छा ही है, वीडियोग्राफी से जितना बच सके अच्छा है, बट ये बहुत खतरनाक है। मैं तो यहाँ तक लोगों से कहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं फैज भाई आपका वीडियो रात में देखना नींद नहीं आती, तो मैं कहता हूँ मेरा वीडियो भी देखना आप छोड़ दीजिए, इसलिए कि आप आदी हो गए, आप थोड़ी देर मेरा वीडियो देखेंगे उसके बाद मुझे मालूम आप क्या देखने वाले, छोड़ दीजिए वीडियो देखना, ये आदत मत डालिए, लत मत लगने दीजिए। तो ये वेब सीरीज वाकई में बहुत नुकसानदेह चीज़ है, इसके साइंटिफिक नुकसान भी है, मे बी गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन ले, बट चूंकि इंटरनेट का ज़माना है हो सकता है हमारी गवर्नमेंट ले ले, लेकिन दूसरे गवर्नमेंट के पास लीगल हो तो वहाँ से ही आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो है यूएस गवर्नमेंट ने यूट्यूब पर काफ़ी कड़ी जो है वो उठाया और कहा कि तुम चाहे दुनिया में चलते हो लेकिन यूएस का लॉ लागू होगा जिस स्टेट में तुम्हारा ऑफिस है, और यूएस का उस स्टेट का लॉ उन पर लागू है, जिसके नतीजे में उनको यूट्यूब किड्स निकालना पड़ा, फिर यूट्यूब के मेन उसमें से किड्स के उन्होंने वीडियोज को अलग किया और बच्चों के लिए वो सब किया। क्यों किया? चूंकि उन्होंने कहा कि ये अनकंट्रोल जा रही है ना ऐसी चीज़ें। तो अब शुरुआत तो हुई है कि यूएस ने एक पहला लॉ लाया, कहा कि तुम जिस जगह तुम्हारा ऑफिस है वहाँ के पूरे लोकल कानून लगेंगे, यहाँ तक कि वो टैक्सेशन का लॉ भी ला रहे हैं कि जो तुम कमाई देते हो वो टैक्सेबल होंगी, चाहे वो कमाने वाला कहीं बैठा हो उसको टैक्स यहाँ यूएस में पे करना पड़ेगा। तो एक अच्छी चीज़ है, बट मैं नहीं समझता सेंसरशिप जैसा कुछ वो भी ला पाएंगे, क्योंकि कौन चेक करेगा यूट्यूब पे हर सेकेंड अपलोड होने वाले हजारों घंटों की वीडियोस। तो मैं ये कहूँगा बस अपने आप से या हमारे लोगों से, इन वेब सीरीज से आप बचें, चाहे वो मुसलमानों के नाम से बनी हो या मुसलमानों की तारीख से बनी हो। और फिर मैं कहूँगा वो जो वेब सीरीज आपने देखी अब्दुल गाजी, उसका तारीख से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसमें तो ऐसा भी होगा कैरेक्टर अगर छोड़ के चले गया तो उन्होंने उसका बेचारे को निकाली थी उसको, मतलब एक आदमी है वो रियल लाइफ में उसका कैरेक्टर था, उसने अपने बादशाह की मदद की, लेकिन वो जो एक्टर था ना उसने बोला मैं नहीं कर रहा, तो उन्होंने उसके तारीख को बदल दिया, बोले चलो ऐसा नहीं ऐसा बना देंगे बोले। तो पहली सीरीज को उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों की तारीख के सुनहरे दौर का एक हकीकी वाकया है, सेकंड सीजन से बंद कर दिया उन्होंने वो देना शुरू, क्योंकि उन्हें कैरेक्टर चेंज करना पड़े होता है, क्योंकि फर्स्ट सीजन पॉपुलर हो गया, सेकंड ने बहुत सारे एक्टर ने रेट बढ़ा दिया तो ले नहीं पाए वो, नतीजा हुआ कि उनको उन्होंने उनको निकालना पड़ा, मतलब उतने तारीखी वाकया हटा दी। तो मैं समझता भी हूँ तारीखी कोई उसकी कोई पस मंजर भी नहीं है उसका तारीख, मैं जहाँ तक जानता हूँ जहाँ तक उन्होंने रिकॉर्डिंग की उसकी वगैरह, लेकिन बट उसका कुछ हिस्टोरिकल बेस नहीं है, और बेसलेस चीज़ों को देखकर हम भी वैसे ही हो जाएंगे। जैसा मैं एक वाक्य सुनाता हूँ, एक फिल्म का बताया गया, फिल्म में ऐसा बताया गया कि एक बहुत खतरनाक खूंखार बादशाह अफगानिस्तान से निकल हिंदुस्तान आ गया। हम सब जानते हैं मंगोलों ने जो दुनिया के ऊपर कहर ढाया, जो नुकसान पहुंचा इंसानियत को, वो अनइमेजिनेबल उन्होंने किया, लेकिन वही अकेला बादशाह था जो हिंदुस्तान में खड़ा था दिल्ली में, जिसके नतीजे में उस जंग से जो है मंगोल हिंदुस्तान नहीं आए, वरना हिंदुस्तान में क्या हाल करते मंगोल हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खिलजी डायनेस्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ एक पर्टिकुलर, हाँ उसने मंगोलों को हकाला हिंदुस्तान से, और ये पता नहीं टीवी में क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुछ नहीं बताते हैं, कुछ भी बता रहे हैं। उसमें एक सीन क्या बताया देखिए, मतलब अमेजिंग ताज्जुब, हंसने की बात क्या है कि ये जो है जाते हैं और चढ़ाई कर देते हैं, किस पर? दौलताबाद पर, हमारे दौलताबाद खिला मालूम ना कि औरंगाबाद से करीब, दौलताबाद पे चढ़ाई कर देते, वो दिल्ली से आते हैं दौलताबाद पे चढ़ाई कर देते, दौलताबाद पे चढ़ाई करके क्या कर रहे मालूम आपको? वहाँ के बादशाह को लूट रहे हैं, उसकी रानी को लूट के ले जा रहे हैं, और सीन कैसा चल रहा आप देखिए, ये अपने बादशाह के पास जा रहे हैं जो कि जब सिपे सालार थे, ये जो बनने वाले बात के गुंडे समझो, बड़े खिलजी डायनेस्टी के समझो, वो आके वहाँ खड़े, और बादशाह पूछ रहा कि तुमने जो है, और दौलताबाद का जो पुराना नाम है उसको देवगिरी कहते हैं, तो क्या तुमने देवगिरी को लूट लिया? मैंने कहा देवगिरी कहाँ से आ गया? तो देवगिरी कहाँ था? वो दौलताबाद था, वो देवगिरी को लूट लिया? तो बोले लूट लिया देवगिरी को, औरत खड़ी हुई थर थर कांप रही एकदम, बोले मैंने वहां की रानी को लूट के ला लिया, मतलब एक बार भी नाम नहीं लिया रानी का, मतलब बताया ऐसा कि हिंदू हुकूमत थी जिस पर एक मुसलमान ने ये जुल्म किया,
जबकि दौलताबाद जो है देवगिरी किसी जमाने में था, मोहम्मद बिन तुगलक जब औरंगाबाद आया तो उसका नाम बदल के दौलताबाद कर देगा, देवगिरी उससे पहले था। प्रिटेंड क्या किया आप बता रहे, हिस्ट्री कैसा चेंज कर रहे हैं आप कि देवगिरी मतलब हिंदू एक तस्वुर आ रहा, जोश आना लोगों के अंदर, फला है शिवाजी महाराज की फिल्में बना दी, हिस्टोरिकल कोई बैकग्राउंड नहीं फिल्मों का। आप जानते हैं मराठों के साथ मुसलमानों का कितना गहरा ताल्लुक था, पानीपत की जो सबसे बड़ी और सबसे आखिरी तीसरी जंग हुई उसे मराठों के साथ मुसलमान थे और छोटे मोटे नहीं थे, मराठों का पूरा तोपखाना जो है इब्राहिम गर्दी के पास था और वो अपनी मौत तक वो लड़ते रहा इब्राहिम गर्दी हो। तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये हिंदुओं का मराठों का होली वॉर था और मुसलमान जो अफगान आए थे निकल के उनका जिहाद था, पागलपन नहीं? यहाँ मुसलमान क्यों साथ दे रहे, जो कि आप अगर जानते होंगे तो बाजीराव पेशवा थे, बाजीराव पेशवा की दो नस्लें थी, एक हिंदू मराठे थे जो पूना में थे तो दूसरी नस्लें जो है मस्तानी से जो औलादे हुई वो पूरी मुसलमान थी। तो वहां बुंदेलखंड के पूरे उनके चचाजात भाई समझो इन मराठों के वो खड़े उस जंग के अंदर मुसलमानों की बड़ी तादाद के साथ, यहाँ इब्राहिम गर्दी जो है पूरा जो है तोपखाना संभाले हुए है, आखिर तक ये दोनों भी नहीं हटे, सब मारे गए पूरे के पूरे फिनिश हो गए। और आप बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों की क्या थी जंग थी, मुसलमान जिहाद करने आते अफगानिस्तान से, क्या तारीख से आप खेल खेल रहे हैं, ये तारीख को ऐसा बताकर आप किसको झूठ बोलना चाहते हैं? आप देखिए ताजुब में कोई इस चीज पे होता, आप तारीख को कैसे बदल सकते, आप तारीख बताते हैं कि मुसलमानों ने पहली बार अफगानिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान में द ग्रेट हमारे जो बड़े बड़े बादशाह हिंदुओं के जो राजपूत बादशाह थे वो खड़े थे, आप ये नहीं बताते कि उनके सिपह सालारों में मुसलमान मौजूद थे तो उधर उनके सिपह सालारों में भी हिंदू मौजूद थे, कहाँ मुसलमान हिंदुओं की जंग थी, मतलब जो अफगानिस्तान से यहाँ आए उनके बड़े बड़े सिपह सालार हिंदू है जो खुद राजपूत है अपने मजहब से, और इधर राजपूतों के पास खुद मुसलमान बड़े बड़े सिपह सालार मौजूद है खड़े हुए, हिंदू मुस्लिम जंग नहीं थी भाई, हाँ बादशाह मुस्लिम था बादशाह हिंदू था दोनों में जंग हुई, लेकिन वो जंग मजहब की बुनियादों पर नहीं हुई, जमीन सबको चाहिए थी, हर कोई आगे बढ़ना चाहता था, आप समझ रहे। तो बहरहाल इन वेब सीरीज उन्होंने तो बिड़ा खर्च कर दिया और फिर उसके बाद ये झूठे सच्चे हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल कुछ भी लाकर अल्लम गल्लम मिला के कर रहे हैं, मैं कहूँगा इनसे बचे, ये ज़्यादा इंशाल्लाह जी हमारे लिए हमारी नस्लों के लिए खासतौर से वीडियोग्राफी की लत से बचने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। शेख मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने अभी कहा कि मतलब एक लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने ड्रामे देखे, मतलब स्पेशल सबसे ज़्यादा तुर्की का ड्रामा मशहूर हुआ, तो बहुत सारे उलमाओं ने भी उसके मतलब उस पर बोले, कुछ ने ऐसा भी कहा मतलब बड़े बड़े स्पीकर्स ने कि वो हॉलीवुड और बॉलीवुड से बेहतर है, मतलब अगर आप ऑलरेडी एडिक्ट थे मूवीज़ देखने के, जैसा हॉलीवुड तो बहुत आगे के लेवल का, अगर आप उसके बजाय ये देख रहे तो उससे बेहतर है क्योंकि काम काज भी नहीं था घर पर, तो उसके बारे में आपका क्या कहेंगे? जजाकल क्योंकि भाई ने कहा, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई वो जो फिल्में देखते थे और भला फला करते थे उनके लिए तो अच्छा था, उसके बदले ये देखें, मैं ये कह सकता हूँ कि एक इंसान की मेंटल कैफियत के अतबार से अगर वाकई में वो गंदी फिल्में बुरी फिल्में फालतू फिल्में देखने का आदि था और उसको अगर छोड़ने के लिए अगर ये स्टेप सेकंड थी कि वह छोड़ना है तो वो उससे सेकंड क्या, चूँकि उसको आदत था आदि था, जैसा कि एक आदमी नशे का आदि होता है निकोटीन समझो तंबाकू खाता है या पीता है तो निकोटीन का फिर क्या रहता है उसको बताया जाता है कि उससे कम लेवल का निकोटीन दिया जाता है मतलब उसका डिक्रीज किया जाता है या फिर सेकंड ये क्या था निकोटीन का अल्टरनेट केमिकल निकोटीन उसको दिया जाता है कम उसमें क्वांटिटी में ताकि उसकी जो तलब है उसको सप्रेस करते रहे और फिर धीरे धीरे करके उसको छुड़ाया जाता है। तो अगर उसी उसमें लेके कोई एकदम इसका आदि है गंदी फिल्मों का फालतू फिल्मों का और उसको इसलाह करने के लिए कहा जा रहा है उसके बदले अभी अल्टरनेटली ये देखो फिर लाइफ समझे ना तो ये सोल्यूशन हो सकता है, आप समझ सोल्यूशन हो सकता है लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा वो देखो आप या मैं याद नहीं लेकिन सोल्यूशन हो सकता है उस आदमी के लिए जो इसमें इस दलदल में फंस चुका है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अब तुम वेब सीरीज के गंदे उसमें दलदल में फंस चुके हो उसके बदले तुम क्या करो ये सीरीज देख लो तुर्किश, तो कम से कम वो गंदगी तो तुझे देखने को मिलेगी क्योंकि इतना तो कहा जा सकता है वो गंदगियां जो होती है उसमें इसमें वो कम से कम कुछ ना कुछ कल्चर आस्पेक्ट है तो वो गंदगियां नहीं। तो ये एक लत को छुड़ाने के लिए मैं कह सकता हूँ ये सोल्यूशन हो सकता है जो कि साइकेट्रिस्ट वगैरह डॉक्टर्स ऐसे ही कहते हैं तो ये एक अलग बात, लेकिन ये सबके लिए नहीं था लेकिन यहाँ तो लोगों को लत लगी उसके वजह से, वो ड्रामा तुर्किश अर्तुल गाजी देखो बोले इसलिए कि बोले पता चलेगा अपनी तारीख क्या मियाँ मियाँ बैठ गए लेके हैंडसेट जिसने कभी कुछ देखा नहीं था और ऐसी आदत लग गई मियाँ को कि आप कुछ भी देखते पड़े हुए मतलब बड़े बूढ़े घर के वो चक्कर में जो आए आज कुछ भी देख रहे मैंने देखा ये देख ले रहे वो देख ले रहे दिन भर न्यूज़ चल रही फार्मर्स की तो न्यूज़ ही चल रही क्यों तो वो जो एडिक्शन हो गया ना वो डेंजर है वो छूटता नहीं फिर और उसकी वजह से बच्चे जो बाजू आके बैठ रहे हैं देखिए एक छोटे बच्चे पे बहुत अलग इम्पैक्ट होता है चीज़ों का। एक बड़े आदमी ने देखा कि दो आदमी लड़े या जंग हुई बच्चे जंग नहीं समझ पाते अगर ये बच्चा अल्लाह ना करे समझ नहीं पाया
थोड़ा बड़ा हुआ और फिजिकली अच्छा फिट रहा, और उसको लगा लड़े तो वैसे ही लड़ना जैसा अपने वहां देखे थे ना। ऐसा मैंने रियल लाइफ में देखा, एक बच्चे ने क्या किया, फिल्म में देखने का आदि था, स्कूल में लड़ाई हुई तो दो बच्चों को बोला बच्चे का हाथ पकड़ लो, तीसरे दो बच्चों ने उधर बच्चे का हाथ पकड़ ली, और फिल्मों में जैसा मारते हैं ना पंचेस, रियल लाइफ में आप नहीं मार सकते, मालूम एक पंच मारेंगे नाक की हड्डी टूट जाती है सीधा। फिल्मों में तो यूं और चल ही रहा, बस कितने ही मार रहा, 50 50 मार रहे थे, तो कभी इधर 50 हो रहे थे, इन्हों 50 मार रहे थे, और मुंह पे खून तो वो दूर के खाली मुंह हल रहा था, हलता फिर सीधा हो जाता, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसने लिया और पंचेस मारा, 5 6 पंच मारा, बच्चा बेहोश हो गया। ये उसकी एक आंख चलेगी बच्चे की, और उसके दांत तोड़ेगी, आंख चलेगी हमेशा। वो बच्चे को स्कूल से निकाल गया, सेकंड उसको किसी ने स्कूल में लिया, उसने 10th अलग से पास किया। तो बोले वो उससे, जब मैंने ही पूछा मेरी कई बात, बोले वो टीवी में देखे थे इतना मारते थे हम छोटे थे, हमने उसका असर था, 5 ही पंच मारे तो बोले उसकी आंख भी चलेगी और उसका दांत टूटेगा। रियल लाइफ में इंसान इतना मजबूत नहीं रहता, मानो कमजोर रहता है इंसान, जैसे तो ये होता है, तो वो उसका नतीजा तैयार रहती। तो बच्चे देख लेते ये चीजें, जब बच्चे देख लेते तो क्या हो रहा, मतलब उस ड्रामे का इम्पैक्ट क्या हो, मैं आपको बताऊं, अच्छे खासे लोग कुल्हाड़ियां लेके घूम रहे, कुल्हाड़ियों को घुमा रहे, मैंने एक दो बच्चों को देखा था, मतलब क्या ही। और जिनको नस्लों पे अपने फख्र होता है, जिनको अपने नस्लों पर फख्र है कि हम ये इलाके, ये कल्चर, ये वादी, ये पहाड़, ये झाड़, ये जंगल के रहने वाले हैं, वो लोग काय कबीले में शामिल हो गए। अब्बा आप समझ रहे ना, हम पठान, यूसुफ जई, फलां, यूसुफ जई खत्म, काई। मैंने कहा असर, जहनी असर देखो। मैंने बोला ड्रामे का इम्पैक्ट तो भैया इससे ही पता चलता, जिनको अपने नस्लों पे इतना जाम है वो काई कबीले के अमर बन गए, मतलब अफगान छोड़ के तुर्क बन गए, आप समझ रहे। तो ये असर था बच्चों पे, बहुत बैड इम्पैक्ट होता है इन चीजों का, अपनी नस्लों को कोसने लग गए कुछ लोग, मैं वहां होना था, मैं ऐसा बनता था, मैं इसकी औलाद होना था, हम तो वहां होना था, मतलब आप समझे। हालांकि सबका एक कल्चर है, सबकी एक तारीख है, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी हालत होगी, तो बहरहाल तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका हो सकता है, तो अगर वो इलाज के तौर पर आपने पूछा, हो सकता है कोई पोर्नोग्राफी देखता था, उसको सजेस्ट किया जा सकता है कि तेरे एडिक्शन को छोड़ने के लिए तो अब ये देख कुछ अच्छा, जिससे कम से कम वो बुराई से छुटेंगे, और मे भी उसके लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट आएंगे उसमें से। मैं ये नहीं बोल रहा ये देखना जायज है, ये हलाल है, ये आयन हलाल है, इसको देख के हो, ये आयन तारीख, कुछ भी नहीं है, बट वो अल्टरनेट, आप समझ रहे मेरी बात को, उसको समझिए। तो ये सजेस्टेबल है, लेकिन ये कौन करेगा, जो उस आदमी की मेंटल कैफियत को जानता है, उसके हालात को जानता है, वो सजेस्ट करेंगे। तो बहरहाल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन मैंने तो यहाँ तक कुछ मुकर्ररों को देखा तारीफ कर रहे, तारीफ बोले इससे यूरोप में ईमान फैल रहा, बोले अब बस इतना ही बाकी था वेब सीरीज से ईमान फैलना, आप समझ रहे, ईमान फैल रहा, बोले लोग जोक दो जोक इस्लाम में आ जा रहे, बोले मुसलमानों की बहादुरी देखिए, देख रहे। मैंने बोला इन्होंने अभी फिल्में देखी नहीं, इसका मतलब इन्होंने वेब सीरीज देखे नहीं, अभी एक वेब सीरीज देख के आप बोल रहे कि लोग ईमान में आ रहे, लोगों ने हर कौम ने अपनी कौम उसकी तारीफ और उसकी तारीख में फेंकम फाक किए वेब सीरीज के जरिए। वाइकिंग्स का देखिए, विजिगोथ के देख लीजिए, यूरोप का, इंग्लैंड का देख लीजिए, आयरलैंड का देख लीजिए, स्कॉटलैंड, सबने बनाया अपने अपने, यहाँ तक इसराइल ने भी अर्तुगरुल गाजी के अगेंस्ट में जो फौदा बोल के एक अपनी निकाला, वो भी खूब डिटेक्टिव रहता है, इधर उधर सब सब इधर से उधर तक लाइसेंस तो किले उसके पास में, बस मार रहे मार रहे, यहाँ से यहाँ तक मुसलमानों को, पूरे फलस्तीनियों को मार रहा, अरबों को मार दे रहा, सऊदियों को मार दे रहा, इसराइल को एकदम नंबर 1 स्टेट कर दे रहा, सब कर रहे भाई ऐसा। तो आप समझ रहे आपको जोश मिल रहा, और ये कोई असल जोश नहीं है, ऐसा जोश नहीं आता। अगर ये हकीकी जोश होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब में ऐसे जोश दिलाता, पिछली कौमों के वाक़ सुना के वो जंगे हुई वो फलां, कुछ भी ऐसे जोश नहीं है। रियल लाइफ बहुत अलग होती है, ये जिंदगी रियल नहीं है। मे भी किसी के लिए सोल्यूशन हो सकता है, बट सबके लिए वो नहीं था। हुआ तो ये जिसको देखना था उसने तो मैं समझता हूँ नहीं देखा, दूसरे लोग देख के अब उनको प्रॉब्लम हो रही कि इधर से उधर शिफ्ट हो गए हो, मतलब ये सीरीज देखने के बाद कुछ नहीं मिला तो वो इंग्लिश सीरीजों में चले गए, और फिर वो है ना बहुत मशहूर सीरीज जो वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3, उसमें चले गए, अब वो सब देख रहे हो, अब वो खत्म होने के बाद उनकी प्लानिंग अब क्या देखना, छुपके देख रहे एक अलग बात है, क्योंकि लेकिन आदि हो गए मैं ये कह सकता हूँ। तो बहरहाल एहतियात करने में बेहतर हो सकता है कुछ लोगों के, लेकिन ये सोल्यूशन भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।